हेलो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। नरेशन के फर्स्ट पार्ट जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसमें हम नरेशन के सेकंड पार्ट की ओर अध्ययन करेंगे। और हमने आपसे वादा किया था कि नरेशन ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल एकदम ईजी लगेगा। आप बड़े आसानी से नरेशन का सेंटेंस मिलेगा, आप तुरंत कर देंगे। और नरेशन के पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में पर्सन चेंज करना सीखा था। आज सेकंड पार्ट में भी हम लोग पर्सन के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पर्सन सीखा था। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमने तीनों को बता दिया था कि होते कौन कौन से। और उसी आज सेकंड पर्सन की हम लोग बात करेंगे, यानी सेकंड पर्सन हम यू देखेंगे। आपको ये बताया गया था कि यू रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और हमने समस्त पार्ट को आपको बता दिया था कि कौन सा पार्ट होता है, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। आशा करते हैं वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड पर्सन जो कि यू है और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो कैसे चेंजिंग करेंगे, हम इसी के बारे में भी बातें करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे बड़े आसानी से आपका क्लियर हो जाए। देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है, ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा है, यू आर गोइंग टू मार्केट। हमारा पर्सन क्या है, यू। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड वर्ड का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट हो वो यू हो, तो वो हमारा सेकेंड पर्सन में आता है। और सेकेंड पर्सन चेंज होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में यू मिलेगा, हो सकता है कि आगे मिल जाए और सेंटेंस बड़ा होगा। लेकिन अभी हम नॉर्मल सीख रहे हैं तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस सीखेंगे, बड़े सेंटेंस को थोड़ा सा बड़े लेंगे। जैसे हम नॉर्मल सीख लेंगे वैसे बड़े सेंटेंस सिखाना शुरू कर देंगे जिससे आपको टफ नहीं लगेगा। तो हमने लिया ही सेज टू मी और यू आर गोइंग टू मार्केट, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि बच्चे यहाँ डर जाते हैं कि अगर यू आ गया तो हमने तो कहा कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, और ऑब्जेक्ट तो हमारा मी है, तो ये चेंज कैसे होगा, ये चीज़ें हमारे लिए देखना है। तो जब आप देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या अन्य कहीं भी आपको ये मिल जाए, यू मिल जाए, जरूरी सब्जेक्ट में और भी कहीं अगर मिल जाता है सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर आपकी ये वर्ड आ जाए तो आप इसको बदल के इनमें चेंज कर दोगे। ठीक, लेकिन अगर आगे मिल जाते हैं तो हम सेंटेंस के अनुसार चेंज करेंगे। ये फिक्स नहीं कि हमने कह दिया कि अगर मी आता है तो आपको आई ही करना है, हो सकता है कि आगे मिल जाए तो आगे मिल जाए तो हम उसके अनुसार बदलेंगे। ठीक है, हिम आ जाए ही कर दीजिएगा। तो ये बात हम सिर्फ उसकी कर रहे हैं जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, रिपोर्टेड स्पीच की सब्जेक्ट की जगह पे आएगा यू, तब हम ये सब चीजें प्रयोग करेंगे। हिम आ जाए तो ही करिए, किसी बॉय का नेम आ जाए तो आप ही कर दीजिए, किसी गर्ल्स का नेम आ जाए सी कर दो, हो सकता है कि यू ही आ जाए तो आप यू में रहने दो। ठीक, अब हम देखते हैं ही सेज टू मी यू, तो हमारे आया क्या, यहाँ पे यू आया और यू एज ए सेकेंड पर्सन है जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी है, ऑब्जेक्ट क्या है मी है। तो मी किसके अनुसार चेंज होगा, अभी हम आपको बताए हैं, मी आई बदल जाता है, मी को क्या कर देते हो आई में चेंज कर देते हो। और ये भी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जिस टेंस में आपका सेंटेंस होगा उसी टेंस में कन्वर्ट करोगे, तो आपका यू आर गोइंग टू मार्केट है तो अब ये टेंस कौन सा है। तो ध्यान रखना कि जब तक आपको टेंस क्लियर नहीं हो जाता
तब तक आप उनको ना तो नरेशन समझ में आएगा ना तो वॉइस समझ में आएगी। इसलिए नरेशन वॉइस से पहले आप टेंस बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा। तो यहां देखो, यू आर गोइंग टू मार्केट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो नॉर्मल हम टेंस के बारे में बता दें आपको कि जिस टेंस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ी जाए, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। ठीक, टेंस के लिए आप हेल्पिंग वर्ब तैयार कर लो, बहुत ईजी अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका डिसाइड कर देता है कि मैं कौन सा टेंस हूँ। तो आपको हेल्पिंग वर्ब तैयार कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो हमने देखो चेंज किया, तो ही सेज टू, पिछली वीडियो हमने बताया था कि सेज टू, टू आदर चेंज करना है, और सेज टू क्या करेंगे, टेल्स मी, ही टेल्स मी। ओके, कनेक्टिविटी दैट, यू मी के अनुसार बदलू, आई कॉन्टिन्यूस, आई के साथ क्या लगता है, एम गोइंग टू मार्केट। तो ये तो हो गई बात हमारी सेकेंड पर्सन की। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में आपका हमने बताया था कि थर्ड पर्सन अगर आ जाए तो आप चेंज नहीं करोगे, जैसे रहेगा वैसे आप उतार दोगे। ठीक, तो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। थर्ड पर्सन भी ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज, इसी तरीके बना लेते एग्जाम्पल एक छोटा सा, गोइंग टू मार्केट। ठीक, देखो यहां पे आ रहा है हमारा ही, सब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है, ही आ रहा है, और ही थर्ड पर्सन है, और हमने कहा था कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। सेज टू को बदल दो, सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में, मी को मी रहने दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट जोड़ दो, ही को ही रहने दो, चेंजिंग मत करो, ही इज गोइंग टू मार्केट। क्लियर हो गया होगा ये। तो ये तो बात हो गई हमारी पर्सन की। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे आपको इससे थोड़े से टफ सेंटेंस पढ़ाएंगे, जिसमें सिर्फ हम पर्सन ही चेंज करना सिखाएंगे आपको, क्योंकि पर्सन चेंज अगर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आपको टेंस चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, आप बहुत अच्छे से देखो, इंजॉय करो, और मज़े के साथ पूरी नरेशन जल्द से जल्द आप सीख लोगे। इतनी गारंटी हमारी है कि नरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट भी करके आप बता दिया करें। अगर प्रॉब्लम हो, जहाँ भी सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप एक बार उसको बताएं कि हाँ यहाँ समझ नहीं आता, अगली वीडियो में उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसको शेयर जरूर करें, दूसरे के पास तक पहुँचाएं, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि सब बच्चे सीखें, सभी पढ़े, तो सबके पास तक ये पहुंचा, जिससे सब लोग बड़े आसानी के साथ सीख सके और पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।